केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने आदिवासी विरोधी नीति बनाकर काम करने का आरोप लगाया। दरअसल सदन में आरक्षण व्यवस्था को 10 साल बढ़ाने को लेकर आए 126वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान भूरिया ने यह बात कही। साथ ही भूरिया ने बीजेपी नेताओं पर मनुवादी सोच के तहत काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। सबको नमस्कार, मीडिया साथियों को, क्योंकि आज हमारे संविधान के 126 का जो एक्सटेंशन देना उसमें था आदिवासी आरक्षण का, तो अब 10 साल और बढ़ा दिया है। ये संविधान में व्यवस्था है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तभी का 10-10 साल एक्सटेंशन होके, और जब तक अनुसूचित जाति जनजाति का सर्वांगीण विकास नहीं हो तब तक ये लागू रहेगा। तो अभी बहुत काफ़ी ज़रूरत है, तो इसी मुताबिक हमारे विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास होकर एक्सटेंशन कर दिया है, 10 साल बढ़ गया है, और आने वाले समय भी हम लोग जो आदिवासी योजनाओं के मामले में जिस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये मामला उठाया था कि ट्राइबल सब प्लान केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया, इससे कि आदिवासियों का सर्वांगीण विकास रुक गया। अब उसके लिए उन्होंने मांग कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार थोड़ी भी दया करे तो ये ट्राइबल सब प्लान वापस से लागू कर दे, ताकि हमारे समय में तो लागू था ही। हम लोगों ने आए दिन हर राज्य को मतलब 500,000 करोड़ रुपए हर राज्य को देते थे विकास के लिए, पर ये केंद्र सरकार जब से मोदी जी आए तब से ट्राइबल सब प्लान उसकी हम मांग करते हैं कि केंद्र सरकार उसको फिर से लागू करे, नहीं तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि राज्य सरकार ट्राइबल सब प्लान लागू करेगी अपने राज्य में। तो एक बहुत बड़ी माननीय मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं।